बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स। डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्स की प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हमारी जो नेटवर्क लेयर है उसके अंदर डेटा को फॉरवर्ड किया जाता है, फॉरवर्ड टेबल जो बनता है वो बेसिकली कैसे कंस्ट्रक्ट होता है और उसका मतलब क्या होता है वो हमने डिकोड किया। फिर हमने ये भी देखा कि हमारे पास ICMP विच इज एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल वो क्या होता है। हमने नेटवर्क एड्रेसिंग ट्रांसलेशन टेबल के बारे में भी पढ़ा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेटवर्क लेयर की जो मेन फंक्शनैलिटी है विच इज राउटिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे कि राउटिंग बेसिकली है क्या और किस तरह से उसको क्लासिफाई किया जाता है, क्या एल्गोरिदम्स हैं जो कि हमारे नेटवर्क में रन होते हैं और हमारे पास उसकी बेसिस पे जो फॉरवर्डिंग टेबल है वो बिल्ट होता है। ये हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास नेटवर्क लेयर के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। एक हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल है, एक हमारे पास राउटिंग टेबल्स हैं और फिर हमारे पास एरर रिपोर्टिंग के एल्गोरिदम्स हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास राउटिंग का काम है वो करते हैं राउटिंग एल्गोरिदम्स। तो हम क्लासिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी तरह के राउटिंग एल्गोरिदम्स मौजूद हैं नेटवर्किंग के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं क्लासिफाई करूं अपने राउटिंग एल्गोरिदम्स को तो मैं दो तरह से उन्हें क्लासिफाई कर सकती हूं। नंबर वन इज ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया दे कवर्ड और ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेलिटी ऑफ द राउटिंग एल्गोरिदम। दूसरे को हम कह सकते हैं कि उसकी किस तरह से जो रूट्स हैं रूट की बेसिस पे हम उनको या इंफॉर्मेशन की बेस पे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर मैं पहली क्लासिफिकेशन की तरफ देखूं तो वो हमारे पास है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है वो ग्लोबली शेयर हो रही है या वो डिसेंट्रलाइज या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर हो रही है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन बाय ग्लोबल इंफॉर्मेशन शेयर और डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अगर हमारे पास एक जो टोपोलॉजी है हर राउटर के पास, लेट सपोज हमारे पास ये एक टोपोलॉजी है, ठीक है, जिसमें हमारे पास तीन राउटर्स लगे हुए हैं। अगर हमारे पास हर राउटर के पास दूसरे राउटर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास, लेट सपोज हमारे पास ये टोपोलॉजी थी, ठीक है, हम राउटर को कनेक्ट कर देते हैं और ये हमारे पास एक टोपोलॉजी है। ठीक है, अगर मेरे पास हर राउटर के पास, लेट सपोज इस राउटर के पास पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी और ये भी पता होगा कि इनकी कॉस्ट कितनी है, लेट सपोज इनकी लिंक कॉस्ट को मैं लेबल कर देती हूँ 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये लिंक कॉस्ट हो सकता है कि मैं कहूं कि इन कितने मीटर्स अपार्ट हैं, हो सकता है मैं इनको कंजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको वेट या कॉस्ट असाइन कर रही हूं, कॉस्ट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब अगर इस राउटर को पता है कि R1 से R2 के दरमियान में जो कॉस्ट है वो 1 है और R2 और R3 के दरमियान में कॉस्ट हमारे पास 4 है, इसी तरीके से इस कॉस्ट के बारे में भी इसको पता और इस कॉस्ट के बारे में पता, मतलब इसको पूरी टोपोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि कॉस्ट क्या है और कौन किसका नेबर है, तो ऐसे प्रोटोकॉल हम कहते हैं कि इस प्रोटोकॉल को ग्लोबल या ग्लोबल इंफॉर्मेशन है जिसे हम कहते हैं पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल हमारे पास ग्लोबल राउटिंग प्रोटोकॉल कहलाते हैं। लिंक स्टेट एल्गोरिदम हमारे पास ग्लोबल राउटिंग प्रोटोकॉल की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज राउटिंग प्रोटोकॉल कौन से होंगे हमारे पास, वो प्रोटोकॉल जिसमें राउटर को सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स के बारे में और उनकी कॉस्ट के बारे में पता होता है, बाकी टोपोलॉजी के बारे में उसे नहीं पता होता। अब वो कैसे जानता है बाकी टोपोलॉजी के बारे में, आइटरेटिव प्रोसेस के थ्रू वो कंप्यूट करता है जब उसके नेबर्स उसके साथ अपने नेबर्स की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो इस तरह से वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है अबाउट द टोपोलॉजी वो कंप्यूट करता है। ठीक है, तो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम जो है वो हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड राउटिंग एल्गोरिदम की एग्जांपल है। दूसरी टाइप हमारे पास है कि हम राउटिंग एल्गोरिदम को ऑन द बेसिस ऑफ कमांड्स और कॉन्फ़िगरेशन भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारे पास टाइप है स्टैटिक राउटिंग और दूसरी पास हमारे पास टाइप जो बनेगी वो है डायनामिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो खुद राउटिंग एल्गोरिदम, वो खुद जो हमारा राउटिंग टेबल है वो बिल्ड करता है, वो खुद और उस राउटिंग टेबल की बेसिस पे फॉरवर्डिंग टेबल जो है वो बिल्ड होता है। अगर आपके पास ये तब तक तो ठीक है जब आपके पास छोटी टोपोलॉजी होती है, लेकिन अगर आपके पास हंड्रेड ऑफ राउटर्स मौजूद हैं एक टोपोलॉजी के अंदर, तो जाहिर सी बात है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये काम हेक्टिक हो सकता है, प्लस इसमें एरर का चांस मौजूद है। डायनामिक राउटिंग में क्या है,
कि अगर आप, और ये हम तब चूज करते हैं जब हमारे पास रूट्स जो है वो स्लोली चेंज हो रहे होते हैं ओवर द टाइम. डायनामिक राउटिंग बेसिकली क्या है कि पीरियोडिक अपडेट शेयर हो रही होती हैं जो हमारे पास राउटर्स हैं उनके दरमियान में, और कोई ना कोई राउटिंग एल्गोरिदम रन हो रहा होता है जिसकी बेसिस पे ये जो अपडेट्स हैं वो शेयर हो रही होती हैं. एक और टाइप भी है, वो हम लोड की बेस पे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं अपने राउटिंग एल्गोरिदम को. हम कह सकते हैं कि ये राउटिंग एल्गोरिदम लोड सेंसिटिव है और ये राउटिंग एल्गोरिदम लोड इनसेंसिटिव है. मतलब कि ये अगर लोड बढ़ेगा तो ये उस तरह से कंप्यूटेशन करेगा, और कुछ एल्गोरिदम ऐसे होंगे जो कि जिनको लोड की बेसिस पे इफेक्ट नहीं होता, वो अपनी कंप्यूटेशन को किसी और मैट्रिक्स की बेस पे कंप्यूट करते हैं. ठीक है, तो अगर हम क्लासिफाई करें फॉर नाउ, तो हम अपने राउटिंग एल्गोरिदम्स को तीन क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर सकते हैं, ग्लोबल वर्सेस सेंट्रल, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक, एंड लोड सेंसिटिव वर्सेस लोड इनसेंसिटिव राउटिंग एल्गोरिदम. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं राउटिंग एल्गोरिदम्स में. सबसे पहले हम लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम देखेंगे, फिर हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिदम्स में एक राउटिंग एल्गोरिदम की एग्जांपल देखते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम. लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिदम, जैसे कि हमने बात की थी, हमारे पास ग्लोबल राउटिंग एल्गोरिदम है. ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास हर राउटर के पास अपनी टोपोलॉजी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी. तो इसमें जो हम पहला प्रोटोकॉल एज एन एग्जांपल पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम. नेटवर्क की जितनी भी टोपोलॉजी है और जो लिंक कॉस्ट है वो सारी नोड्स को पता होंगी. ठीक है, और ये किस तरह से अकॉम्प्लिश किया जाता है, थ्रू लिंक स्टेट ब्रॉडकास्ट. ठीक, अब लिंक स्टेट ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है कि जो हमारी नोड्स हैं वो एक मैसेज जनरेट करती हैं फॉर डेस्टिनेशन एड्रेस 255.255.255.255. ठीक है, अब 255 का मतलब क्या है कि ब्रॉडकास्ट करो इन मैसेजेस को सारी नोड्स को. ठीक है, अब जो नोड इसको रिसीव करेगी वो डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगी जिसमें ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ है, दैट मीन्स दिस मैसेज इज मेंट टू बी फॉर द डेस्टिनेशन. तो वो इसको एक्सेप्ट करेगी. ठीक है, और इसका जो TTL टाइम होता है, ठीक है, टाइम टू लिव, वो कितना होगा, 255. ठीक, इसका मतलब क्या है कि ये एक्सपायर तब तक नहीं होगा, ये घूमता रहेगा जब तक पूरी इंफॉर्मेशन आपके राउटिंग प्रोटोकॉल की हर नेबर के पास नहीं चली जाती. ठीक है, तो क्या होगा, ये ब्रॉडकास्ट किया जाएगा ये मैसेज इस इंफॉर्मेशन के साथ. ठीक है, कि डेस्टिनेशन ये और TTL ये है, हर जो नोड है वो इस इन्फॉर्मेशन पैकेट को एक्सेप्ट करेगी और अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिप्लाई करेगी जिस नोड ने इस पैकेट को, सोर्स आईपी जो भी होगा उसके लिए. ठीक है, फिर क्या होगा, हमारे पास ऑल नोड्स हैव द सेम इन्फॉर्मेशन, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि जितनी भी नोड्स हैं सारों के पास अपनी टोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम है वो क्या करता है, इट कंप्यूट द लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम वन नोड टू ऑल दी अदर नोड. ठीक है, लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारे पास चार नोड्स हैं, यू और एक नोड है वी, एक्स एंड डब्ल्यू. ठीक है, तो क्या होगा जब ये राउटिंग एल्गोरिदम रन होगा, डाइजेक्स्ट्रा राउटिंग एल्गोरिदम, तो क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि यू से वी तक जो हमारे पास लीस्ट कॉस्ट है वो कितनी है, यू से X तक लीस्ट कॉस्ट कितनी है, U से W तक लीस्ट कॉस्ट कितनी है. इसी तरह से हमें पता चल जाएगा X से U तक लीस्ट कॉस्ट कितनी है, X से W तक लीस्ट कॉस्ट कितनी है, और X से U तक लीस्ट कॉस्ट कितनी है. इसी तरह से हमें W के बारे में भी पता चल जाएगा, मतलब हमें हर नोड का दूसरी नोड से मिनिमम डिस्टेंस पता चल जाएगा, और इसकी बेसिस पे हमें फॉरवर्डिंग टेबल मिल जाएगा, क्योंकि राउटिंग जब एल्गोरिदम रन होता है तो क्या बिल्ट होता है, फॉरवर्डिंग टेबल. आइटरेटिवली After K iterations, आपको हर जो नोड है उसका डेस्टिनेशन से मिनिमम कॉस्ट जो है वो या मिनिमम पाथ जो है वो पता चल जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास राउटिंग एल्गोरिदम की बैक स्टोरी है कि किस तरह से हमारे पास राउटिंग एल्गोरिदम जो है वो काम करेगा. अब चलते हैं हम कि जो कुछ नोटेशन हम यूज करेंगे उसमें उनसे क्या मुराद होगी, या हम जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे. नोटेशंस हम पढ़ लेते हैं. नोटेशंस में जहाँ पे आपको हमारे पास ना डिस्टेंस वेक्टर का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, सॉरी डाइजेक्स्ट्रा का हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो इस फॉर्मूला में जो नोटेशन यूज हुई है बेसिकली उनके बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है. जहाँ पे भी सी ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ होगा, इसका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ द लिंक फ्रॉम एक्स टू वाई. ठीक है, कॉस्ट फ्रॉम नोड एक्स टू नोड वाई which is equal to infinity if it is not directly connected to the node. अगर ये आपका direct neighbor नहीं है तो आप cost infinity रखेंगे. DV basically क्या है,
कि करंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन बी, कि अगर आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पे नोड यू है, ये नोड वी है, ठीक है, और ये हमारे पास है वी के साथ कनेक्टेड है एक्स, ठीक है। अगर अब हम देखें तो हमारे पास U से V की कॉस्ट हम 2 रख देते हैं और इसकी कॉस्ट हम V से K की कॉस्ट हम 1 रख देते हैं, या X की कॉस्ट, सॉरी इसको हमने X कहा था, तो X की कॉस्ट हमने 1 रख दी। इसका मतलब क्या हुआ कि U से V तक D ऑफ V क्या होगा, 2, ठीक। और चूंकि हमारे पास कॉस्ट इसकी V और X डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इनकी कॉस्ट क्या होगी, इंफिनिटी, ठीक है। तो डी वी बेसिकली क्या है कि जो आपके कनेक्टेड नेबर्स हैं उनकी डायरेक्ट कॉस्ट कितनी बनती है। पी वी इज बेसिकली प्रीडिसेसर ऑफ द नोड, जैसे मैं वी का प्रीडिसेसर देखूं तो वो यू है, और एक्स का प्रीडिसेसर देखूं तो वो कौन है, वी, ठीक है। तो प्रीडिसेसर को रिप्रेजेंट करेंगे हम पी ऑफ वी से। एन बेसिकली सेट है उन नोड्स का जो कि आपने लीस्ट कॉस्ट पाथ को फाइंड आउट करने के लिए आपने विजिट कर लिए, ठीक है। सो एन वो सेट होगा। अगर हम इसका एल्गोरिदम देखें तो किस तरह से एल्गोरिदम इसका रन होगा, एन बेसिकली पहले इनिशियली एन क्या होगा, सोर्स नोड, सिर्फ उसके अंदर सोर्स नोड होगी जहां से आपने कंप्यूटेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। फॉर ऑल नोड्स वी, जितनी भी नोड्स आपके पास आपके ग्राफ के अंदर मौजूद हैं, अगर तो आपके पास नोड जो है वो एडजेसेंट होगी सोर्स नोड के, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस उसका लिखेंगे जितनी उसके लिंक की कॉस्ट होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो एडजेसेंट नोड नहीं है, मतलब डायरेक्ट लिंक वहां पे मौजूद नहीं है, तो आप कॉस्ट क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी, ठीक। किस तरह से, जैसे अगर आपको एग्जांपल मैं दूं, तो इस ग्राफ को अगर आप देखें तो यू के एडजेसेंट नोड्स कौन कौन सी हैं, एक्स, डब्ल्यू एंड वी, ठीक, और इनकी कॉस्ट क्या है, 5, 3 and 7 रिस्पेक्टिवली। सो डी ऑफ वी क्या यहाँ पे आएगा, 7, ठीक, और इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, यू, ठीक है। फिर अगर मैं D of W देखूं तो W की कॉस्ट कितनी है, 3, और इसका प्रीडिसेसर कौन है, U। फिर अगर मैं X को देखूं तो X की मेरे पास जो कॉस्ट है वो कितनी है, DX मेरे पास है 5, और इसका प्रीडिसेसर कौन है, U। लेकिन इसके अलावा जो Y और Z हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने ग्राफ के अंदर क्या लिखा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है, बेसिकली ये कंडीशन हमें ये बता रही है कि अगर आपके पास एडजेसेंट नोड्स हैं तो आप ग्राफ के अंदर या राउटिंग टेबल जो बनाएंगे उसके अंदर आप उनकी डायरेक्ट कॉस्ट लिखेंगे, अदरवाइज आप कॉस्ट जो है वो इन्फिनिटी रखेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लूप चलाएंगे, यही काम हम बार बार करेंगे, कैसे, फाइंड डब्ल्यू, फाइंड अ नोड, कोई भी नोड, ठीक है, जो आपके इस ग्राफ के अंदर मौजूद होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने डब्ल्यू एक नोड का वेरिएबल का नाम रख दिया, ठीक है, W जो कि आपके N के सेट में पहले से मौजूद ना हो, जैसे कि अगर आप U पहले मौजूद है तो W वहां पे मौजूद नहीं है, ठीक है, such that DW is a minimum, ठीक। अब जैसे मैं यहाँ पे देखूं तो मैंने इस पूरे सारे जितने भी मेरे पास रिजल्ट आया है इस पहली कंप्यूटेशन का, इसमें से मैंने क्या देखना है कि मिनिमम नोड कौन सी है जिसका वेट मिनिमम हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको इस N सेट का पार्ट बना दूंगी, किस तरह से, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसका मिनिमम था तो पहले सिर्फ यू था, अब इस सेट के अंदर कौन, डब्ल्यू भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा से हम कंप्यूटेशन करेंगे, किस फॉर्मूला की बेस पे, ये जो फॉर्मूला गिवन है इसकी बेसिस पे हम कंप्यूटेशन करेंगे और अपना जितना भी हमारा टेबल है उसे अपडेट करेंगे, ठीक है। और ये हम कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारी जितनी भी ग्राफ के अंदर नोड्स हैं वो सारी इस सेट का पार्ट नहीं बन जाती, मतलब उन सारियों को हम विजिट ना कर लें, ठीक है। अब हम इस एल्गोरिदम की बेस पे अपना जो राउटिंग टेबल है वो बनाते हैं। इनिशियली हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राफ को समझ लेते हैं। ग्राफ पे हमारे पास 6 नोड्स हैं, यू कनेक्ट डायरेक्टली कनेक्टेड है एक्स, वी और डब्ल्यू से, और वाई एंड जी इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, उनके कॉस्ट हमारे पास मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप जो जीरो है इसमें हमने एक सोर्स नोड सेलेक्ट करनी है, हमने सेलेक्ट किया यू, हमारी सोर्स नोड है, ठीक है। सोर्स नोड से हमने देखा कि डायरेक्टली ऊपर हमने क्या कर लिया, जितनी भी नोड्स हैं उनके हमने डायरेक्ट डी वी और पी वी, मतलब उनके डिस्टेंस और उनके प्रीडिसेसर लिखने अब साथ साथ, ठीक है। अगर मैं देखूं तो मेरे पास यू का डायरेक्ट जो डिस्टेंस है वी से वो है 7, और इसका प्रीडिसेसर कौन है, यू, ठीक। इसी तरह से मेरे पास
W का जो कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट बनती है वो 3 और इसका प्रीडिसेसर भी U बनता है. अगर मैं X का देखूं तो इसका प्रीडिसेसर मेरे पास U बनता है और इसका मेरे पास कॉस्ट जो है वो 5 बनती है. इसके अलावा दोनों जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो हमने इसको इन्फिनिटी रख दिया अकॉर्डिंग टू आर प्रीवियस एल्गोरिथम. ठीक, अब अगला स्टेप क्या था कि आपने देखना है कि ये जो गिवन आपके पास वैल्यूज आई है इनमें से मिनिमम वैल्यू किसकी है. ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 3 और किसकी है वो है W की. ठीक, तो हम क्या करेंगे, W को N का, N के सेट का पार्ट बना देंगे. तो हमने क्या किया, W को N के सेट का पार्ट बना दिया. और अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से ये जो डिस्टेंसेज हैं ये कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अब हम किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं, अब हम U और W के थ्रू विजिट कर सकते हैं. मतलब कि U और W से आप देखो कि आप X, V, अब U से डायरेक्टली कनेक्टेड अगर आप देखो तो Y है, तो इसका मतलब है आप U से W के थ्रू Y तक भी पहुंच सकते हैं. पहले आप नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि आपके पास सिर्फ विजिटेड नोड कौन सा था, U था. ठीक है, अब चूंकि W भी विजिटेड में आ गया तो अब आपके पास ये वाला पाथ जो है वो ओपन है, इसके थ्रू आप इसके भी नेबर को एक्सेस कर सकते हो. ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिकम्प्यूट करते हैं इनके डिस्टेंसेस अकॉर्डिंग टू ये जो हमारे पास गिवन फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग. ठीक, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिकम्प्यूटेशन करते हैं. अब रिकम्प्यूटेशन कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं. U इंक्लूडेड है अब हमारे पास जो N सेट है उसके अंदर. ठीक है, तो अब ये देखिए अगर आप, तो ये रिकम्प्यूट हुए हैं. ये कैसे रिकम्प्यूट हुए हैं, अब अगर मैं आपको सिर्फ ग्राफ से बताऊं फिर मैं कैलकुलेशन करके भी आपको बताती हूं. पहले ग्राफ से सिर्फ समझ लें कि ग्राफ में अगर आप देखें तो U से डिस्टेंस दोबारा कैलकुलेट करें V का. अगर आप डायरेक्ट देखें तो आपके पास है cos 7, लेकिन अगर आप W के थ्रू जाएं तो आपके पास 3 and 3, 3 + 3, cos कितनी बनती है 6. और अब प्रीडिसेसर V पे जब आप पहुंचे हैं तो लास्ट नोड जो आपने विजिट की थी वो कौन सी थी, W. तो अब इसका प्रीडिसेसर कौन बन गया, W. ठीक है, इसी तरह से ये तो आपने चूंकि विजिटेड में लिख दी, इसको आप दोबारा से रिकम्प्यूट नहीं करेंगे, जो नॉन विजिटेड है उनको रिकम्प्यूट करेंगे. तो अब अगर आप देखें U W को विजिट करके अगर आप X पे पहुंचे, आप रिकम्प्यूट करें ये जरा कि क्या बनती है. डायरेक्ट हमारे पास कॉस्ट है 5, और अगर मैं इनडायरेक्ट थ्रू W जाऊं तो मेरे पास कॉस्ट बनती है 3 + 4 विच इज 7. दोनों में से जो मिनिमम है वो हम रखेंगे, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो हम 7 नहीं रखेंगे, 5 हमने यहाँ पे रख दिया. और 5 के लिए प्रीडिसेसर कौन है हमारा, U है. ठीक है, इसी तरीके से अगर अब मैं देखूं, पहले मैं डायरेक्टली U के थ्रू Y तक नहीं पहुंच सकती थी, अब मैं देखूं तो मैं U के थ्रू W और W के थ्रू Y पे पहुंच सकती हूं. तो अब अगर मैं कॉस्ट कंप्यूट रिकम्प्यूट करूं तो क्या बनेगी मेरे पास, U से W 3 एंड W से Y 8. ठीक है, तो क्या बनेगा 3 + 8, 11, और पहले क्या थी, इन्फिनिटी. तो 11 छोटा है या इन्फिनिटी छोटा है, ऑब्वियसली 11 छोटा है तो हम क्या रखेंगे, इन्फिनिटी को रिप्लेस कर देंगे हम 11 के साथ. और अब हमारा प्रीडिसेसर कौन बन जाएगा, W, क्योंकि लास्ट नोड जो कि Y पे जाने से पहले हमने विजिट की है वो कौन है, W. ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं देखूं U W को विजिट करते हुए मैं Z पे जा सकती हूँ, U W को विजिट करते हुए मैं Y पे जा सकती हूँ, लेकिन Y अभी विजिटेड नहीं है. ठीक है, विजिटेड कौन है, U एंड W. ठीक, तो मैं Z को नहीं पहुंच सकती इन दोनों को विजिट करते हुए. तो हमने क्या लिखा, इसका वेट स्टिल इंफिनिटी ही है क्योंकि इसको आप नहीं पहुंच सकते बाय विजिटिंग U एंड W. ठीक, अब क्या होगा, अब आपने दूसरा स्टेप फॉलो करना है कि आपने इनमें से जो मिनिमम है वो सेलेक्ट करना है. तो 6 इज मिनिमम, 5 इज मिनिमम और 11 इज मिनिमम. ऑब्वियसली 5 इज मिनिमम, तो हम क्या करेंगे, अब किसको इंक्लूड कर देंगे N के सेट के अंदर, X को. ठीक, तो X को हमने इंक्लूड कर दिया. U, W and X are this now part of this N set, N prime set. अब हम recompute करते हैं X को include करके. ठीक, अगर मैं recompute करूं V पे visit करने के लिए कि अगर मैं X और Y, W दोनों को include करूं, तो U से X पे जाऊं 5 + 4, 9 and 9 + 3, 12. ठीक है, तो मेरे पास 12 बड़ा है या 12 छोटा है या 6 छोटा, obviously 6 छोटा है, तो मैं इसको नहीं एक्सचेंज करूंगी वैल्यू को, मैं 6 को ही रहने दूंगी. ठीक है, साथ में रिकम्प्यूट करते हैं अगली वैल्यूज को. अगर मैं देखूं तो मैं Y पे जाने के लिए मैं पाथ फॉलो करती हूँ, U से X पे जाते हैं 5 एंड 5 से 7 पे हम अगर जाएं तो मेरे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है 12. और अगर मैं डायरेक्ट जाऊं U से W 3 एंड W से Y 8, तो ये बनती है 11. तो 12 और 11 को अगर कंपेयर करूं तो 11 मिनिमम है, तो मैंने 11 को ही यहाँ पे रहने दिया. ठीक, इसी तरीके से अगर मैं देखूं कि अब मैं Y, ये जो U W एंड X है,
इनके थ्रू मैं जेड पे जा सकती हूँ। पहले तो हमने देखा था कि यू और डब्ल्यू के थ्रू हम नहीं जा सकते, लेकिन अगर मैं एक्स को देखूं तो एक्स के साथ जेड डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यू से एक्स पे जाऊंगी और एक्स से जेड पे मैं जा सकती हूँ। तो मेरे पास जो कंप्यूटेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 5 + 9 इट इज 14 एंड प्रीवियसली इट वॉज इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी और 14 को अगर मैं कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली 14 मिनिमम है, तो मैं कॉस को अपडेट कर दूंगी बाय 14 और प्रीडिसेसर इसका कौन बनेगा, एक्स, ठीक है, ये प्रीडिसेसर बन जाएगा। अब मैं दोबारा से एक और वही वाली कंडीशन लगाती हूँ कि इन तीनों में से मिनिमम कॉस्ट किसकी है। ऑब्वियसली मिनिमम कॉस्ट मेरे पास 6 की है, 6 है जो कि v की है। तो अब मेरे पास जो n प्राइम का सेट है इसके अंदर कौन इंक्लूड हो जाएगा, u, w, x एंड v, ठीक है। तो मेरे पास जो कॉस्ट है वो रिकम्प्यूट कैसे होगी कि अब मैं u, w, x एंड v को किसी को भी यूज करके जो y है उस तक पहुंच सकती हूँ। तो अगर मैं पाथ देखूं v से u से v पे जाऊं 7 + 4 11, ठीक है, 11 अगर देखूं तो ऑलरेडी यहाँ पे 11 था, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट y को विजिट करूं 3 + 8 तो भी ये 11 बनता है, ठीक है। अगर मैं इसको u से w 3, w से v 6 और 6 + 4 करूं तो ये मेरे पास बनता है 10 विच इज लेस देन 11। तो अब मैंने क्या किया, इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। तो मैंने ये पाथ फॉलो किया फॉर रीचिंग y नोड, ठीक है, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10 और प्रीडिसेसर कौन बनता है इसका, v, क्योंकि लास्ट विजिटेड नोड जो हमने y पे पहुंचने से पहले विजिट किया वो है v। इसी तरीके से अगर मैं देखूं कि मेरे पास जो u, v, w, x एंड v को विजिट करके मैं v पे जाऊं तो क्या मेरे पास कॉस्ट बनती है, u यही मिनिमम पाथ था तो इसी को फॉलो कर लेते हैं, 3 और 3 6, ठीक। और हमारे पास जो अगली कॉस्ट है v से y के लिए वो है 4, ठीक है। सो 6 + 4 = 10, ठीक। लेकिन अगर मैं यहाँ इस वाले को फॉलो करूं तो यहाँ से आगे तो मैं जा ही नहीं सकती क्योंकि y तो विजिटेड में है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आके मैं ब्लॉक हो जाऊंगी। इसके लिए जरूरी क्या है कि अगर मैं ये पाथ फॉलो करूं तो y भी मेरे पास विजिटेड में होना चाहिए। अभी अगर मैं देखूं तो मेरे पास 3 8 यहाँ से भी पाथ ब्लॉक है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ मेरे पास जो ओपन पाथ है वो ये वाला पाथ है, ठीक। सो 5 और 9 अगेन 14, तो इसमें से मिनिमम कौन सा हमारे पास 10, ठीक है। तो 10 भी हम विजिटेड में इंक्लूड कर देते हैं, y को इंक्लूड किया। अब हम रिकम्प्यूट करेंगे दोबारा से z पे पहुंचने की जो कॉस्ट है उसको, ठीक। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, दोबारा से अगर मैं देखूं अब z विजिटेड है तो दो पाथ अवेलेबल है। एक तो मैं डायरेक्ट जाऊं इस पाथ को फॉलो करते हुए विच इज 3 + 8 = 11, 11 + 2 = 13, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या है, 3 and 8 11 and 2 okay it's 13, ठीक है। फिर अगर मैं इस पाथ को फॉलो करूं जो प्रीवियस था वो था 14, लेकिन अगर मैं ये पाथ फॉलो करूं u से v, w, w से v, v से y एंड y से z, तो क्या बनेगा, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10 and 10 + 2 = 12। तो ये जो है वो कम हो जाएगा प्रीवियस कॉस्ट से, तो ये बन जाएगा 12 और प्रीडिसेसर कौन बनेगा, y, ठीक है। और एंड पे चूंकि रही ये गया है तो इसको हम लीस्ट पे कंसिडर करेंगे और इसे हमने इंक्लूड कर दिया, u, w, x, v, y एंड z। तो हमारे पास जो कंडीशन थी कि एट द एंड ऑफ योर एल्गोरिदम जितनी भी आपके पास नोड है वो n सेट का n प्राइम सेट का पार्ट होना चाहिए, वो भी सक्सेसफुल हो गई। बाकी कंडीशन भी हमने देख ली, ठीक है। अब हम अगर देखें तो हमारे पास जो हर नोड पे जाने के लिए जो पाथ बनता है वो क्या बनता है, u से हम जाते हैं w पे, w से हम x पे डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से w के थ्रू हम v पे जा सकते हैं, ठीक। अगर यहां से मैं देखूं कि y पे जाने के लिए जो लीस्ट पाथ है वो कौन सा है, थ्रू v, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y। और z पर जाने के लिए हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू थी वो क्या थी, थ्रू y, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास z आ जाएगा, ठीक है। सो मेरे पास ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो निकला है यूजिंग डाइजेक्ट एल्गोरिदम। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ तो हमने कंप्यूटेशन कर ली ये ग्राफ को देखते हुए, राउटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसको टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होगी बाय एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन।
सब उस इंफॉर्मेशन की बेस पे ये कैसे कंप्यूट करता है बाय यूजिंग द प्रीवियस फॉर्मूला, ये हम देखते हैं कैसे करेगा. हमने फॉर्मूला ऑलरेडी देखा हुआ है कि ये फॉर्मूला है जिसको आपका जो डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम है वो यूज करता है. अब इनमें से कंप्यूटेशन आप कैसे करेंगे या जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरह से इस टेबल को फिल करेंगे, वो किस तरह से हम करते हैं ये देख लेते हैं. सबसे पहले हमने देखा कि हमने यू को सिलेक्ट किया, ठीक है. आफ्टर यू हमने डायरेक्टली कनेक्टेड पाथ तो लिख ही दिए. इसमें से मिनिमम हमें नजर आ रहा है कि ये पाथ होगा, ठीक है. 7, 3 and 5 में से मिनिमम हमारे पास कौन है? 3. हमने डब्ल्यू को सिलेक्ट कर लिया एज आर नेक्स्ट गेस्ट इन दी एन प्राइम सेट, ठीक. अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूलाज लगाते हैं. फॉर्मूलाज में क्या लगाएंगे, सबसे पहले डब्ल्यू के थ्रू कंप्यूटेशन करते हैं. डी वी, ठीक है, कि वी तक पहुंचने का पाथ थ्रू डब्ल्यू, क्योंकि हमने अभी क्या सिलेक्ट किया था, डब्ल्यू हमारे पास वो पाथ है जो कि मिनिमम अमंग ऑल मिनिमम है, ठीक है. तो अब हम क्या देखते हैं, डी डायरेक्ट पाथ ऑफ वी थ्रू डब्ल्यू. तो मिनिमम ऑफ डी वी, डी वी प्रीवियसली हमारे पास क्या था, 7. डायरेक्ट जो कॉस्ट थी वो हमारे पास 7 थी, ठीक है. और अब जो हमारे पास डी डब्ल्यू के थ्रू आएगा, डी डब्ल्यू यू से डब्ल्यू का कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 3. आप अगर कंसल्ट करना चाहें तो आप अपने पास टेबल जो ग्राफ है वो पेपर पे बना के साथ देखते जाएं कि जो वैल्यूज मैं लिख रही हूँ वो ठीक है. डी से वी डायरेक्ट कॉस्ट अगर मैं आपको यहाँ से दिखा भी दूं तो ये 7 थी, और यू से वी डायरेक्ट कॉस्ट मेरे पास कितनी थी, डी डब्ल्यू पहले कितना था, 3 था, ठीक है. तो डी डब्ल्यू 3 था, और कॉस्ट ऑफ डब्ल्यू टू वी, ठीक है, कितनी है मेरे पास, 3, राइट. तो क्या बना मेरे पास वैल्यू, क्या बनी, 7 and 6. तो मिनिमम वैल्यू इसमें से कौन सी है, 6, ठीक. वी पे जाने का मैंने कॉस्ट जो है वो निकाल लिया. अब W तो ऑलरेडी मिनिमम है, अब अगला किसका मैंने करना है, X का, Y का और फिर Z का, ठीक है. ये 3 और कंप्यूटेशन मुझे करनी है. तो अगली कंप्यूटेशन किसकी करूंगी, D ऑफ X की, ठीक है. तो मिनिमम डिस्टेंस जो प्रीवियस था वो, और W के थ्रू जो डिस्टेंस है वो अब कंप्यूट करना है. तो अगर ओरिजिनली देखूं तो D ऑफ X, अगर डायरेक्ट पाथ देखूं तो वो था 5, ठीक है. और अगर डी डब्ल्यू को देखूं तो वो था मेरे पास 3, और कॉस्ट थ्रू W टू X कितनी है, यहाँ पे देख लें आप, W से X पे जाने की कॉस्ट कितनी है, 4, ठीक है. तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 4, ठीक है. तो 3 + 4 मेरे पास बनता है 7. 7 और 5 में से कौन सा मिनिमम है, 5, तो हमने 5 को एज इट इज रहने दिया, ठीक है. अब अगला हमारे पास है Y. Y पे अगर हम देखें तो D ऑफ Y ऑलरेडी इंफिनिटी था, मतलब इसको डायरेक्ट अगर यहाँ पे देखो आप तो यहाँ पे कोई पाथ अवेलेबल नहीं था. डी ऑफ वाई ऑलरेडी पहले स्टेप में क्या था, इंफिनिटी था, ठीक है. तो अब हमने रिकम्प्यूट जब किया तो डी ऑफ डब्ल्यू के थ्रू, डब्ल्यू की वैल्यू, डी ऑफ डब्ल्यू वहां पे देखो तो आप 3 था, और कॉस फ्रॉम डब्ल्यू टू वाई हमारे पास क्या है, क्या थी, 8, ठीक है. तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया. 3 + 8 = 11. तो इंफिनिटी और 11 में से अगर सेलेक्ट करूं तो 11 ही मिनिमम है. इसी तरह से D of Z मैं कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास D of Z क्या बनेगा, मिनिमम ऑफ D of Z, जो प्रीवियस D of Z की वैल्यू थी वो थी, अगर यहाँ पे देखें D of Z की प्रीवियस वैल्यू इंफिनिटी थी, ठीक है. तो प्रीवियस वैल्यू हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, रिटन राइटिंग की मिस्टेक है. D of Z पहले हमारे पास था इंफिनिटी, D of W हमारे पास है 3, और कॉस्ट फ्रॉम थ्री टू कॉस्ट फ्रॉम डब्ल्यू टू जी इज स्टिल इंफिनिटी, ठीक है. सो हमारे पास ये 7 की जगह यहाँ पे इंफिनिटी आना था, ठीक है. सो स्टिल हमारे पास दोनों में से अगर 3 + इंफिनिटी करोगे तो भी इंफिनिटी आएगा, और इंफिनिटी और इंफिनिटी में से अगर मिनिमम चूज करना हो तो इंफिनिटी ही आएगा, ठीक है. तो ये हमारे पास है हमारा जो पहला हमने सेलेक्ट किया था W को, हमने N प्राइम का पार्ट बनाया था, उसकी बेस पे हमने जो कंप्यूटेशन की है वो ये आई है. अगर आप देखो तो टेबल के अंदर भी हमने यही एंट्रीज की हैं. V के लिए हमने 6 किया, X के लिए 5 और Y के लिए 11. देख लें आप, 6, 5 and 11, ठीक है. तो ये स्टेप अभी कंप्लीट हुआ. अब हमने क्या करना है, इसी की बेसिस पे जो मिनिमम वैल्यू थी क्या थी, वो हमारे पास थी 5. 5 किसकी वैल्यू थी, X की. तो अब हमने क्या करना है, X को पार्ट बना देना है N प्राइम सेट का, ठीक है. ये सेट का पार्ट बन गया, अब X की बेसिस पे कंप्यूटेशन होंगी, ठीक. अब हम क्या करते हैं, मैं इधर साइड पे ग्राफ ड्रॉ कर देती हूँ ताकि मुझे बार बार प्रीवियस स्लाइड पे ना जाना पड़े. ओके, ये जो हमने कंप्यूटेशन की, ये हमने की जब हमने
डब्ल्यू को एन प्राइम का पार्ट बनाया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड पे ब्रैकेट लगा के ये कंप्यूटेशन फॉर डब्ल्यू कर देती हूँ, ठीक है। और मैं यू को भी हाईलाइट कर देती हूँ और मैं डब्ल्यू को भी हाईलाइट कर देती हूँ, मतलब ये दो विजिट हो चुके हैं, ठीक। अब नेक्स्ट जो मैंने सेलेक्ट किया, इसमें से मैंने सेलेक्ट किया एक्स, क्योंकि ये मिनिमम था। इसका मतलब है कि अब एक्स भी मेरा विजिटेड हो जाएगा, एक्स को भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। दैट मीन इन तीन नोड को यूज करके अब मुझे कैलकुलेट करना है मिनिमम डिस्टेंस टू रीच दी अदर नोड, ठीक। तो अगर मैं देखूं कि मैं यू डब्ल्यू और एक्स को यूज करके वी पे जाने का पाथ निकालूं, तो क्या बनेगा, यू से एक्स 5, 5, 4 एंड 3, ठीक है। तो 9 एंड 3 ज्यादा बनता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डी ऑफ वी। डी ऑफ वी इज मिनिमम ऑफ डी ऑफ वी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे डी ऑफ वी आएगा, ठीक है, जो प्रीवियस डिस्टेंस था डी ऑफ वी का विच इज 6, और अब का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी ऑफ एक्स प्लस एक्स ऑफ वी, ठीक। तो डी ऑफ एक्स कितना था हमारे पास 5, और एक्स और वी का अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो ये इंफिनिटी नहीं बनता, बल्कि ये बनता है 4 + 3 = 7, ठीक है। सो 7 + 5 + 6, इन दोनों में से कौन सा मिनिमम है हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास 12 और ये बनेगा हमारे पास 6। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 6, तो हमने 6 एज अ डीवी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने चेक करना है कि वाई और जी का जो डीवी है वो कितना बनता है आफ्टर यूजिंग एक्स एंड डब्ल्यू एज एन इंटरमीडिएट नोड। तो हम देखते हैं डी ऑफ वी के बाद डी ऑफ वाई कैसे कैलकुलेट होगा। डी ऑफ वाई इज बेसिकली जो प्रीवियस डी ऑफ वाई की वैल्यू थी वो कॉमा डी ऑफ एक्स, ठीक है। ओके, अगेन यहाँ पे हम डी ऑफ एक्स की बजाय डी ऑफ डब्ल्यू की बजाय अब डी ऑफ एक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं बेसिकली ये हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्स एज आर न्यू मेंबर टू द एन प्राइम, ठीक है। इसलिए अब हम यहाँ पे एक्स की बेस पे कर रहे हैं। तो डी ऑफ वाई हमारे पास प्रीवियस जो डी ऑफ वाई को पहुंचने की वैल्यू थी वो है, और कॉमा जो डी ऑफ एक्स को यूज करके अब हम वाई को पहुंच सकते हैं वो वैल्यू, ठीक है। तो डी ऑफ एक्स वाई की अगर प्रीवियस वैल्यू देखूं मैं, तो डी ऑफ वाई की प्रीवियस वैल्यू है 11, और जो न्यू वैल्यू एक्स को यूज करके मैं जा सकती हूँ डी ऑफ वाई तक जो जा सकती हूँ वो क्या है, डी ऑफ एक्स की एक्स को यूज करूँ तो वो बनेगी 5, और सी फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई पे जाने की जो कॉस्ट है वो है मेरे पास 7, ठीक है। एक्स से वाई पे जाने की जो कॉस्ट है वो है 7, तो अगर मैं दोनों को प्लस करूँ तो ये बनता है 12 और ये बनता है मेरे पास 11, तो दोनों में मिनिमम कौन सी है 11। नेक्स्ट मैंने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है डी ऑफ वाई की, ठीक है, सॉरी डी ऑफ जी की। तो डी ऑफ जी इज इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस जो पहले कैलकुलेट हुए जी पे जाने के लिए वो, और अब जो एक्स को यूज करके आप जी पे जा सकते हैं वो वैल्यू। मिनिमम डिस्टेंस जो पहले था वो था इंफिनिटी, और अब अगर मैं देखूं तो डी ऑफ एक्स क्या है 5, और डी ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्स टू जी इज 9, ठीक है। सो 5 + 9 = 14, विच इज ऑब्वियसली मिनिमम देन इंफिनिटी, तो हम अब इसको अपडेट कर देंगे डी ऑफ जी को एज 14। सो यही अपडेट यहाँ पे हमने सेकेंड स्टेप के अंदर की हुई है, ठीक है। क्या किया था हमने, 6, 11 एंड 14, और यहाँ पे अगर आप देखें तो कंप्यूटेशन क्या आई है 6, 11 एंड 14, ठीक है। अब क्या होगा, अब इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो सिलेक्ट होगी। सो मिनिमम कौन सी है 6 वैल्यू, और ये किसकी है, वी की वैल्यू है, ठीक है। का मतलब है अब नेक्स्ट जो हमारे पास विजिटेड नोड बनेगी वो क्या बनेगी, वी बनेगी, ठीक है। अब उसकी बेसिस पे कंप्यूटेशन करते हैं, और किस किस के लिए कंप्यूट करेंगे हम, वाई और जी के लिए, बाकी तो विजिटेड है, इनके लिए कंप्यूटेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो अब क्या होगा, डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ जी कैलकुलेट होगा किसकी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वी, ठीक है, वी की बेसिस पे अब कैलकुलेशन होगी। डी ऑफ वाई जो प्रीवियस डी ऑफ वाई की वैल्यू थी वो, और d ऑफ v की अब जो वैल्यू है वो, ठीक है, ये है cos फ्रॉम v टू y, ठीक है। अगर d ऑफ y की प्रीवियस वैल्यू देखूं मैं, तो d ऑफ y की प्रीवियस वैल्यू क्या है 11, ठीक 11, और अगर अब मैं v को यूज करूं cos फ्रॉम dv, अगर आप देखो तो dv की cos कितनी है 6, ठीक 6 प्लस cos from v to y which is 4, ठीक है। तो अब क्या आएगा 6 + 4 which is 10,
प्रीवियसली कॉस्ट थी 11, अब रिकम्प्यूट की गई तो मेरे पास डी वाई की कॉस्ट क्या आ गई 10, विच इज ऑब्वियसली लेस देन 11, तो हम 10 को यूज करेंगे. नेक्स्ट वी की बेसिस पे कंप्यूट करना है हमने जी का डिस्टेंस. जी डी ऑफ जी इज इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस जो प्रीवियस जी का था, ठीक है, विच इज 14, जो हमने प्रीवियस कैलकुलेट किया था. और अब जो हमारे पास हम वी को यूज करते हुए जो जी है उस तक जो जाएंगे वो डिस्टेंस, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, डी ऑफ ये वी होगा यहाँ, ठीक है, डी ऑफ वी, ठीक. तो अब जो हम वी को यूज करते हुए डिस्टेंस रिकम्प्यूट करेंगे वो क्या होगा, डी ऑफ वी की ओरिजिनल वैल्यू थी 14 जो पहले हमने कंप्यूट की थी, और अब डी ऑफ वी है 6, और वी से जी का डिस्टेंस हमारे पास स्टिल है इंफिनिटी, ठीक है, क्योंकि वाई अभी विजिटेड में नहीं आया. तो हमारे पास जो वैल्यू है इन्फिनिटी और 14 में से लेस 14 है, तो हम 14 को ही एज इट इज रखेंगे. अब इन दोनों में से मिनिमम हमारे पास कौन है 10, तो अब हम जो नेक्स्ट कंप्यूटेशन करेंगे फॉर जी ओनली वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ वाई, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, डी ऑफ जी ऑन द बेसिस ऑफ वाई, ठीक है. अब क्या होगा, डी ऑफ जी जो ओरिजिनल वैल्यू थी विच इज 14 जो पहले हमने कंप्यूट की थी, और डी ऑफ वाई जो कि पहले था, जो वाई तक पहुंचने का कॉस्ट थी वो क्या थी 10, प्लस कॉस्ट ऑफ वाई टू जी, या जी टू वाई आप कर लें, दोनों अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो एक ही होगी, ठीक है. या आप लिख लें जी टू वाई तो भी एक ही बात है, ठीक है, वो कितनी है 2. तो अगर आप देखें तो 14 और 12 में से कौन सा मिनिमम है 12, तो हमारे पास कॉस्ट क्या आ जाएगी 12. अब चूंकि 12 भी मिनिमम है तो नेक्स्ट हम क्या ऐड करेंगे, 12 को अपने n प्राइम के सेट के अंदर इंक्लूड कर देंगे. तो ये वो कंप्यूटेशन है जो कि आपने फॉर्मूला की बेस पे करनी है. जो भी ग्राफ आपको गिवन होगा आपने उस ग्राफ को इन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू कंप्यूट करके लिखनी है. अब आते हैं हम अपने इसी ग्राफ के जो गिवन ग्राफ है इसके फॉरवर्डिंग टेबल को देखते हैं कि फॉरवर्डिंग टेबल कैसे बनेगा इसका. ये हमारे पास बनता है इसका पाथ, ठीक है, कि U से W, U से X, U से W, अगर V को पहुंचना है तो W के थ्रू V पे आएंगे, V से अगर U से अगर Y पे जाना है तो W एंड V के थ्रू जाएंगे, एंड अगर U से Z पे जाना है तो थ्रू W, V, Y हम Z पे जा सकते हैं, ठीक है. तो अब इसको अगर मैं फॉरवर्डिंग टेबल की फॉर्म में लिखूं तो मैं किस तरह से लिखूंगी, एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, कि अगर डेस्टिनेशन, यहाँ पे डेस्टिनेशन लिख देते हैं और यहाँ पे लिंक लिख देते हैं, क्या आएगा, ठीक है. अगर मैंने पहुंचना है वी पे, ठीक है, तो मेरे पास जो लिंक होगा वो क्या बनेगा, मुझे लिंक फॉलो करना पड़ेगा यू से डब्ल्यू का, ठीक है. अगर मुझे X तक जाना है तो मुझे कौन सा लिंक फॉलो करना पड़ेगा, U से X वाला, ठीक है. अगर मुझे W पे जाना है तो मुझे कौन सा लिंक फॉलो करना पड़ेगा, U से W वाला, ठीक है. अगर मुझे मतलब इस पे मैं अपना पैकेट फॉरवर्ड करूंगी इस लिंक पे, तो डेस्टिनेशन W पे पहुंच जाएगा. बेसिकली फॉरवर्डिंग टेबल का मतलब ये है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरवर्डिंग टेबल का मतलब क्या होता है. अगर मुझे Y पे डेटा सेंड करना है तो मैं कौन सा लिंक पे अपना डेटा फॉरवर्ड करूंगी, U से W पे, और फिर फर्दर W जो है वो V को भेज देगा U से W पे, ठीक है, और V जो है वो फर्दर उसको भेज देगा Y पे. इसी तरह से अगर मुझे Z पे फॉरवर्ड करना है तो मैं किसको भेजूंगी, U कॉमा W को, ठीक है. तो ये मेरे पास बेसिकली राउटिंग टेबल की बेस पे फॉरवर्डिंग टेबल बनेगा, जिसकी बेसिस पे मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोपगेट करेगी ओवर दी लिंक बाय फॉलोइंग द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है. प्रोपगेट तो इन लिंक से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें तो ये फॉलो होगा. यही रीजन है हमारे राउटिंग एल्गोरिदम्स की बेसिकली, कि हम शॉर्टेस्ट पाथ या जिसे हम कहते हैं गुड पाथ वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है. तो ये हमारे पास है डाइजेक्टर की बेसिस पे पहली एग्जांपल. अब हम आते हैं अपनी दूसरी एग्जांपल पे. लेट्स सपोज हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है. अब इस ग्राफ की बेसिस पे हमने क्या किया, सबसे पहले यू को एज अ सोर्स नोड सेलेक्ट किया, यू के जितने नेबर्स थे, ठीक है, वो हमने जितनी भी नोड है उनको हमने लिख दिया डी वी पी वी, इनका जो हमारे पास डायरेक्ट डिस्टेंस है और इनका प्रीडिसेसर कौन है ये लिख लिया.
डी का अगर आप देखें तो वी पे डायरेक्ट लिंक है टू का और प्रीडिसेसर कौन है यू. अगर आप डी से डब्ल्यू का देखें तो डायरेक्ट लिंक हमारे पास अवेलेबल है फाइव और प्रीडिसेसर कौन बनता है यू. अगर डी से एक्स का देखें तो हमारे पास लिंक कॉस्ट है वन, ठीक है, और इसका प्रीडिसेसर कौन बनता है यू. इसके अलावा कोई भी यू से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो हमने क्या किया उनकी इन्फिनिटी प्लेस कर दिया. ठीक है, अब देखना हमने क्या है कि इनमें से मिनिमम कौन है. तो हमें पता चल गया मिनिमम कौन है एक्स. ठीक, तो हमने किसको इंक्लूड किया एन प्राइम के अंदर एक्स को इंक्लूड किया. अब रिकम्प्यूट करना है यूजिंग एक्स. तो ये विजिटेड हो गया और हमारे पास ये विजिटेड में आ गया. ठीक है, वही फॉर्मूला लगेगा लेकिन इधर मैं फॉर्मूला लगा के आपको नहीं बता रही, ये आप फॉर्मूला खुद करेंगे प्रीवियस एग्जाम्पल को देखते हुए. मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता देती हूँ कि अगर मैं यू से एक्स पे जाऊं, ठीक है, जो मेरे पास सॉरी यू से वी पे जाऊं तो अगर मैं एक्स के थ्रू जाती हूँ तो क्या बनेगा, यू से एक्स पे वन और एक्स से वी पे मेरे पास टू कॉस्ट है तो क्या बनेगा थ्री और टू. दोनों में से मिनिमम कौन सी है टू, तो हम ओरिजिनल को ही रिटेन करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे. अगर मुझे W पे जाना है विच इज दिस वन, ठीक है, तो ओरिजिनल जो मेरे पास कॉस्ट थी वो थी फाइव और अगर मैं अब X को यूज करूं तो क्या बनेगी, U से X तक वन और X से W तक थ्री फोर. ठीक है, फाइव और फोर में से मिनिमम कौन सी है फोर और थ्रू किसके मैं जा रही हूँ X के, तो मैंने यहाँ पे इसका प्रीडिसेसर अपडेट कर दिया X पे. ठीक है, ये तो हमने कंप्यूट करना ही नहीं है क्योंकि ये n प्राइम का पार्ट बन गया. अगली वैल्यू हमारे पास है Y पे. अगर प्रीवियसली देखूं तो Y तो डायरेक्टली कनेक्टेड ही नहीं था. ठीक है, तो अब अगर x के थ्रू देखूं तो मैं y पे पहुंच सकती हूं. तो मैं किस तरह कंप्यूट करूंगी, x टू y, u टू x एंड x टू y. तो 1 प्लस 1 2, 2 और इन्फिनिटी में से देखें तो कौन सा मिनिमम है, हमारे पास 2 मिनिमम है और इसका प्रीडिसेसर कौन बनेगा x बनेगा. ठीक है, इसी तरह से अगर z को देखूं तो z को मैं नहीं पहुंच सकती क्योंकि z x से भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और u से भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, तो इसको हम स्टिल इन्फिनिटी ही रखेंगे. अब इसमें से अगर हम देखें तो मिनिमम कौन सा है, मिनिमम हमारे पास 2u भी है विच इज v और हमारे पास y भी है. तो अब ये आप पे रेंडमली डिपेंड करता है, ये एल्गोरिथम रेंडमली चूज करेगा, जब cos सेम आ जाएगी तो रेंडम चॉइस होगी. ठीक है, तो 2u को भी आप चूज कर सकते हैं और इसको भी y और v किसी में से किसी को भी आप चूज कर लें. तो हमने क्या किया, हमने y को चूज किया एज आर नेक्स्ट नोड. ठीक है, तो अब y को चूज कर लिया गया, आप u को चूज करके कंप्यूट कर लें, आपके पास रिजल्ट सेम आएगा. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने y को इंक्लूड कर दिया अपने n प्राइम के अंदर, अब रिकम्प्यूट करते हैं y को इंक्लूड करके. ठीक है, सो y इंक्लूडेड है, अब रिकम्प्यूट करते हैं dv की वैल्यू. dv की वैल्यू हमारे पास अगर y को भी इंक्लूड करके करें हम तो हमारे पास u एंड x के थ्रू अगर जाएं तो 3 एंड प्रीवियसली 2 थी तो हम 2 ही रखेंगे और प्रीडिसेसर u ही रहेगा. अगर w की रिकम्प्यूट करें तो w की वैल्यू हमारे पास बनती है, पहले कितनी थी 4, कैसे 1 ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट. ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो u और चूंकि y भी इंक्लूडेड है तो ये पार्ट अगर मैं फॉलो करूं y फिर इधर, ठीक है, और फिर इधर, तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और प्रीडिसेसर कौन बनेगा y. ठीक है, 3 और y, तो हमने अपडेट कर दिया इसको और लास्ट इज z1. तो z चूंकि y से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो क्या बनेगा, दो पाथ अवेलेबल है, सॉरी एक ही पाथ अवेलेबल है विच इज u टू x, x से y और y से z पे. तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, तो हमारे पास 4 और प्रीडिसेसर कौन बनेगा इसका y बनेगा. तो ये हमारे पास अपडेट हो गया. ठीक, अब अगर मैं देखूं तो इन तीनों में से मिनिमम कौन है, ये मिनिमम है. ठीक है, तो हमने क्या किया, v को अपडेट कर दिया, यहाँ पे एंटर कर दिया. अब हमारे पास, अब रिकम्प्यूट करूं मैं dw की वैल्यू, तो dw की वैल्यू अगर दोबारा से देखें आप तो 3, 4, ठीक, और अब क्या हमने इंक्लूड किया था, v को इंक्लूड किया था. तो v को भी अगर आप विजिटेड में डाल दें तो v के थ्रू अगर आप w पे पहुंचते हैं तो 5 बनती है. इस दो मैं इनको रिमूव कर देती हूं ताकि आपको क्लियरली समझ आए, मैं इनको इनको रिमूव कर देती हूं और विजिटेड में जो जो नोड्स हैं वो मैं एंटर कर देती हूं. ठीक है, तो मैं यहां पे विजिटेड है हमारे पास u, v, x, y. ठीक है, तो अगर मैं ये वाला पाथ फॉलो करूं तो cos बनती है 4, अगर मैं डायरेक्ट फॉलो करूं तो 5, और अगर मैं ये फॉलो करूं तो ये बनती है अगेन 5, और अगर मैं ये वाला रूट फॉलो करूं तो बनती है क्या, बनती है 3. तो मिनिमम कौन सा बनता है, इसी के थ्रू बनता है. तो हमने प्रीडिसेसर y को रहने दिया और cos 3 रहने दी. ठीक है, अब
अगर दोबारा से कंप्यूट करूं मैं तो बी के थ्रू जी की वैल्यू भी, तो मेरे पास स्टिल बनेगी फोर वैल्यू ही. तो अब इन दोनों में से मिनिमम कौन है, मेरे पास थ्री मिनिमम है, तो अब मैं किसको, डब्ल्यू को इंक्लूड कर दूंगी. विजिटेड नोड में से अब डब्ल्यू भी इंक्लूड हो गया. अब मैं जब रिकम्प्यूट करूंगी तो अगर डब्ल्यू के थ्रू रिकम्प्यूट करूं तो क्या बनेगा, वन टू थ्री, थ्री प्लस फाइव एट, और अगर डायरेक्ट करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, फोर. तो फोर इज मिनिमम देन लेस देन एट, तो हमने फोर को ही रखा, एट को हमने अपडेट नहीं किया. तो इस तरह से हमारे पास z भी इंक्लूड हो गया n प्राइम के अंदर. अब मैं देखूं अगर, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट बनता है वो क्या बनता है, अगर मैं सारी नोड्स लिख दूं पहले यहाँ पे, इस तरह से लिख देते हैं पहले, और उसके बाद हमें मिनिमम जो पाथ बनता था वो हम लिख देते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स दिस इज वाई एंड जी. ठीक है, अब इसकी बेसिस पे मैं क्या करती हूँ, मैं मिनिमम जो पाथ बनता है वो लिखती हूँ. यू से एक्स पे जाने के लिए मेरे पास क्या है, प्रीडिसेसर कौन होना चाहिए, यू. ठीक है, तो यू से एक्स पे जाने के लिए प्रीडिसेसर कौन है, एक्स. ठीक है, इसी तरीके से जो अगली वैल्यू है वो है वाई पे जाने के लिए प्रीडिसेसर कौन है, एक्स. ठीक है, तो वाई पे जाने के लिए प्रीडिसेसर कौन है, एक्स. इसी तरीके से वी पे जाने के लिए प्रीडिसेसर कौन है, यू. तो वाई पे जाने के लिए सॉरी वी पे जाने के लिए, ठीक है, वी पे जाने के लिए प्रीडिसेसर है वी, यू. ठीक है, इसी तरह से कौन बचा, डब्ल्यू. डब्ल्यू पे जाने के लिए मेरे पास प्रीडिसेसर कौन है, वाई. ठीक है, डब्ल्यू पे प्रीडिसेसर कौन बनता है, वाई. और इसी तरह से जी पे जाने के लिए प्रीडिसेसर कौन बनता है, ये वाई. ठीक है, तो ये मेरे पास है जो मिनिमम पाथ कैलकुलेट हुआ है, जो रिडंडेंट पाथ थे वो हमने खत्म कर दिए. तो ये हमारे पास हर नोड पे पहुंचने का मिनिमम पाथ है, ये हमें एज अ रिजल्टेंट ऑफ डाइजेक्टिव एल्गोरिदम मिल गया. अब इसी की बेसिस पे फॉरवर्डिंग टेबल बनेगा. फॉरवर्डिंग टेबल कैसे बनेगा, ये हमारे पास रिजल्टेंट आया, शॉर्टेस्ट पाथ ट्री आया, और इसके बाद हमारे पास अगर हम देखें राउटिंग टेबल सॉरी फॉरवर्डिंग टेबल, तो वो कैसे बनेगा, वी पे जाने के लिए आपको यू एक्स पे अपना डेटा भेजना पड़ेगा इस लिंक पे, एक्स पे जाने के लिए आपको यू एक्स को डेटा भेजना पड़ेगा, इसी तरह से वाई को भेजने के लिए भी यू एक्स पे ही डेटा भेजना पड़ेगा, डब्ल्यू पे डेटा को भेजने के लिए आपको राउटर, ये यू राउटर के इसी यू एक्स इंटरफेस पे ही डेटा को भेजना पड़ेगा, और वी पे जाने के लिए आपको यू एक्स को ही भेजना पड़ेगा. तो ये है हमारे पास डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम, विच इज अ लिंक स्टेट एल्गोरिदम, विच इज अ ग्लोबल राउटिंग एल्गोरिदम. तो इसकी बेसिस पे हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट किया, और शॉर्टेस्ट पाथ बेसिकली जो राउटिंग डाइजेस्टर एल्गोरिदम है, इसकी एक लिमिटेशन भी है. वो लिमिटेशन क्या है कि ये तब काम करता है जब आपके पास जो लिंक कॉस्ट है वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव लिंक कॉस्ट पे ये काम नहीं करता. प्लस इसके अंदर एक और भी इशू है, वो इशू क्या है हमारे पास, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर.